अरुणाचल ज्वाली के लंज खास के जवान रोहित कुमार देश की सेवा के दौरान अरुणाचल सीमा पर शहीद हो गए हैं। दरअसल चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान ग्लेशियर में पैर फिसलने से जवान की शहादत हो गई है। वहीं लंज खास में रोहित के आकस्मिक निधन पर शोक की लहर है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, अरुणाचल प्रदेश के चीन बॉर्डर पर जिस तरह से जवान की शहादत हुई है, उसके बाद क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? कब तक उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा और किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है? विचित्र जासूस, निश्चित तौर पर देखिए, अभी अगर पार्थिव देह की बात की जाए तो क्योंकि इंतजार हो रहा है और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं खुद सेना की, तो उसके तहत ही जो पार्थिव देह है उनको लाया जाता है। तो फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि दोपहर बाद यानी आज शाम तक जो है पार्थिव देह यहाँ पहुंच सकती है उनके पैतृक गांव, रोहित के पैतृक गांव। क्योंकि ये जो शहादत हुई है ये यही बताया जा रहा है कि बीते कल जो है सुबह के वक्त, क्योंकि जो जानकारी उन्हें मिली है और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो है वो बीते कल ही ये हुई है। और ऐसे में पार्थिव देह को उनके सैन्य छावनी तक लाने में, फिर उसके बाद जो है उनके जो हेडक्वार्टर वहां तक लाने में, और उसके बाद फिर यहाँ पर कांगड़ा में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है, देखिए अगर जब शहादत होती है गर्व तो सभी को होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरे का पूरा परिवार शोकाकुल है, पूरा क्षेत्र में शोक की लहर है। इनफैक्ट अभी जो चर्चाएं हो रही हैं वो सब रोहित कुमार की हो रही है, क्योंकि रोहित कुमार, देखिए रोहित कुमार की जो माता है, उनका जो पारिवारिक जो जीवन है वो बेहद कष्टमय रहा है। उनकी माता जी, बताया जा रहा है जो जानकारी हमें मिली है, कि बचपन में ही जो पारिवारिक जो कलह कलेश के चलते जो है वो अपने ससुराल छोड़कर जो है उस वक्त मायके आ गई थी जब रोहित कुमार जो है 2 साल के थे, और उनके दो एक बेटा और एक बेटी थे, रोहित कुमार और उनकी बड़ी बहन है जो कंप्यूटर टीचर है, और रोहित कुमार को भी पढ़ा लिखा कर जो है उनकी माता ने इस मुकाम तक पहुंचाया था। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात, और मेहनत मजदूरी करके ये सब उन्होंने किया था। और अभी बस पूरे कांगड़ा को रोहित कुमार पर गर्व है और रोहित कुमार के ही चर्चे इस वक्त जो है वो कांगड़ा में चल रहे हैं। बिल्कुल विचित्र, और जिस तरह से आपने कहा कि आज दोपहर के बाद उम्मीद है कि उनका पार्थिव देह उनके गांव पहुंचेगा, आप नजर बना के रखें विचित्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।